हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है ना। मैं चंदन कुमार सन मास्टर स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में लोग सिंप्लीकेशन पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उनकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है। ये उनकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी ये काबिलियत है जो उसे ये काम करने पर मजबूर करती है। तो चलिए इसी लाइन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट सब का अंडर में क्या हो, एक्स एक्स रहता चला जाए और कितना एन टाइम्स तक रहे, तो एक्स बराबर आपको कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा 1 के पावर कितना, 1 - 1/x^2 कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। जैसे कि इसी में क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितना है 2 रहे, फिर अंडर रूट कितना रहे 2 रहे, फिर अंडर रूट 2 रहे और इस टाइप से एन टाइम्स तक रहे। कितना टाइम्स तक रहे? एन टाइम्स तक रहे। तो आपसे फाइनली कितना हो जाएगा इसका आंसर बोलिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं एन नहीं 20 टाइम्स तक दिया गया, ठीक है, यानी कितना कीजिएगा 1 - 1/ कितना बोलिए 2 के पावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, इतना आंसर हो जाएगा फाइनली, ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर 5 टाइम दिया हुआ है, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ये कितना हुआ? 3 टाइम्स हुआ। ऐसे मान लेते हैं कि 5 टाइम्स दिया हुआ है, 5 टाइम्स दिया गया, तो इसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा? 3 to the power 1 - 1/ कितना है बोलिए, तो 2 के पावर n बोलिए, यानी 3 है यहाँ पर और 3 के पावर n कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 के पावर 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 - 9 = 81 243 हो जाएगा, 243 243 में से एक घर आइएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 - 1/243 यानी हो जाएगा आपका 3 के पावर 43 243 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 200 बोलिए 42/243 ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से आप क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए इस टाइप से अगर दिया रहेगा, जैसे कि एक्स है अंडर रूट एक्स है प्लस फिर उसके अंदर अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स है, इस तरह के इंफिनिटिव तक रहे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स को 2 भागों में बांट करेंगे, लगातार कंटिन्यूअस टर्म में हम लोग 2 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एन लेते हैं तो ये को कितना लेना होगा, एन प्लस 1 लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक ले रहे हैं तो दूसरा का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, एक 3 ले रहे हैं तो दूसरा का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तब इस टाइप से लेंगे तब जाकर क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, तो फाइनली जो इसका सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो आपका होगा बड़ा वाला प्लस जब यहाँ रहेगा तो बड़ा वाला को ले लेंगे, यानी एन प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, ये आंसर होगा। और वहीं अगर बीच में यहाँ माइनस रहेगा उसको नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस में तोड़ेंगे, जैसे कि एक एन लिए है तो एक दूसरे क्या लिए एन प्लस 1 लिए है, लेकिन बीच में यहाँ माइनस आ गया तो जिसके चलते हम छोटा वाला ले लेंगे, क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे और वही मेरा आंसर देगा। चलिए क्वेश्चन भी आएगा बारी बारी से, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन है अंडर रूट 3 है फिर अंडर रूट 3 है अंडर रूट 3 है और लगातार ऐसे जाते रहेगा, तो इसका मान कितना होगा, इसका ऐसे 3 होगा। ठीक है आंसर, लेकिन कैसे हुआ इसको बता देते हैं। ऐसे ट्रिक है कि आपको इस तरह रहता है तो उसका क्या होगा, अंडर रूट 3 अनलिमिटेड रह रहा है तो इसका क्या होगा आंसर 3 होगा, लेकिन इसके बराबर अगर एक्स ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी हम फाइनली कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 3, ठीक है, और फिर देखिए इतना का मान देखिए उतना ही के बराबर है ना अंडर रूट 3, यानी हम इसको एक्स ले ले रहे हैं, अब बराबर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × x बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम बोलिए, तो एक्स से एक्स स्क्वायर को कटा सकते हैं, एगो एक्स खत्म हो जाएगा, यानी एक्स बराबर यहाँ से कितना है 3 आया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आ गए हम लोग फाइनल वही ट्रिक पर। अभी हम लोग देखे हैं क्या है, इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ेंगे जो लगातार हो, एक क्या है 2 होना चाहिए एक 3 होना चाहिए, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जब प्लस दिया रहता है तो बड़ा वाला को हम लोग पिक करेंगे आंसर में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसको भी हम लोग कितना में तोड़ेंगे 2 × 3 में तोड़ेंगे, यानी 3 यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए तो कितना में तोड़िएगा, 4 3 में तोड़िएगा, कितना में तोड़िएगा
चार और तीन में तोड़िएगा, और 12 वाला आंसर क्या कीजिएगा, पिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कितना में तोड़िएगा, 5 × 6 में तोड़िएगा और 12 वाला के इसमें आंसर लीजिएगा, यानी 6 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसको कितना में तोड़िएगा बोलिए, 8 × 9 में तोड़िएगा और 12 वाला आंसर क्या है आपका, 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है इसलिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको कितना में तोड़ेंगे बोलिए, 3 × 4 में तोड़ेंगे, यानी इसमें 12 वाला आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, 1 × 2 में तोड़ेंगे और इसमें प्लस 12 वाला आंसर कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको हम एक बनाकर बता देते हैं आपको, ठीक है, कि आखिर ट्रिक आया कहां से, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस सबको बराबर हम लोग एक्स मान ले, ठीक है, एक्स बराबर कर लेते, अगर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, 2 + √√2 और + √√2 और प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा ये भी, और बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी इसके बराबर तो हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर हम लोग एक्स यहाँ से माने हुए हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं कितना, x = x², यानी अब लिखेंगे हम लोग x² - x - 2 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है, कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं हम लोग। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग पढ़े होइएगा इसका x का मान निकालने के लिए, बचपन पढ़े होइएगा कितना होता है फॉर्मूला, -b + √2 यानी b² - 4ac, ठीक है, अब आता 2a होता है, 2a होता है, यानी उस फॉर्मूला पर हम लोग इसको जब बिठाएंगे, बोलिए उस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो x² का गुणांक कितना है, माइनस में है, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस b² कीजिएगा, यानी b का मान कितना है आपको, -1 है, तो -1² कितना हो जाएगा बोलिए, 1 हो जाएगा, और -4ac कीजिएगा, यानी 4 × 1 4 ही होगा, -2 यानी 8 हो जाएगा, यानी 8 + 1 कीजिएगा, 1 + 8 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हमारा 2 × 1 यानी फाइनली आपको यहाँ से कितना मिला, 1 + यहाँ प्लस माइनस होता है, +-3/2 यानी आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 = 4 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा मान, 1 × 3 = 4/2 कीजिएगा 2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, -3 और +1 कीजिएगा -2, -2/2 कीजिएगा यानी -1, तो -1 को तो हम लोग लेने वाले नहीं है, यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 ही होगा, तो 2 आपको निकाल दिए, तो आपको ये बेसिक एगो बता दिए कि आपको दिक्कत ना हो, ऐसे ट्रिक ही याद कीजिएगा, ठीक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक सब है। चलिए इसको बनाइए कितना होगा, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं, इसके बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 2 और उसके बाद में √4 और फिर कितना हो जाएगा बोलिए, और अंडर रूट में कितना है, 4 और रूट है 2 और के पावर 3 और रूट कितना है, 4 है, और इसी तरह बढ़ते चला गया है, इन्फिनिटी चला गया है, बराबर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा बोलिए। और फिर एक बार और हम लोग इसको जब क्यू करेंगे, अब देखिए हम लोग इतना का मान x माने हैं, यानी हम लोग फिर यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना, x रख सकते हैं बोलिए, यानी इतना का मान x रख सकते हैं, यानी फाइनली हम लोग कितना लिखेंगे, 2 √3 और यहाँ 4 रहेगा और इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और बराबर x² तो है ही, यानी अब इसको हम क्यू करते हैं, क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4x बराबर कितना हो जाएगा, x⁻⁶ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x⁻⁶ हो जाएगा। चलिए यहाँ कुछ कटने वाला है तो कटा लीजिए फाइनली, चलिए यहाँ से एक x से एक x को हम लोग काट सकते हैं बोलिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, x⁻⁵, यानी x⁻⁵ बराबर कितना है, 8 × 32 यानी हम लोग लिख सकते हैं 32 को 2 × 5 यानी फाइनली x बराबर हमको कितना आ गया, तो आया ना। चलिए यहाँ देख लीजिए आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए √1 दिया है प्लस √1 दिया है प्लस √1 दिया गया है, तो आप इसका मान कैसे निकालिएगा, इसका तो फैक्टर नहीं होने वाला है क्योंकि 0 1 नहीं तोड़ सकते हैं, लगातार में तोड़ना है तो उस हिसाब से इसका मान कितना है और कितना के बीच में निकल सकता है बोलिए। देखिए तो अगर 2 रहता था तो 1 और 2 में डिवाइड करते थे, 2 2 आता था, यानी इसका मान कितना, 1 से तो छोटा आ सकता है, इसको बनाइए देख लेते हैं कितना आ सकता है, बराबर x लेते हैं
और फिर इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक रिपीट कर रहा है, यानी इसका मान हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, यानी इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, वन प्लस इसका मान पुट कर दीजिए, इसका तो स्क्वायर कितने खत्म हो गया, वन आ गया, अब इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं दोनों तरफ, ठीक है, इतना का स्क्वायर कर दिए हैं, यही पे कर दिए हैं, ठीक है, यानी इतना आ गया आपको, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन बराबर जीरो हो गया, ठीक है। इसमें और क्या पुट कर सकते हैं बोलिए, तो एक्स बराबर यहां से कितना हो जाएगा माइनस बी यानी वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी, बी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फोर ए सी का मान निकालिएगा तो फोर इंटू ए का मान वन है और माइनस वन है, यानी कितना हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर कीजिएगा तो वन और प्लस फोर हो जाएगा, यानी अंडर रूट फाइव हो जाएगा, अब बड़ा टू है, टू इंटू वन हो जाएगा, यानी यहाँ से आपको कितना आने वाला है, वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव और बटा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ से देखिए तो इसका मोटा मोटी तो टू प्लस आएगा, वन प्लस माइनस टू प्लस आएगा, टू प्लस मान लेते हैं कितना होता है, मान लेते हैं इसका मान लगभग में दो दशमलव तो कुछ होगा ही, दो प्लस ही होगा, तो मान लेते हैं दो दशमलव, दो दशमलव एक मान लेते, दो मान लेते, दो दशमलव दो ही मान लेते हैं लगभग में, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं है कितना होगा, ठीक है, लेकिन इसे देखते हैं दो से, तो ये कितना हो जाएगा, तीन दशमलव दो होगा, तीन दशमलव दो बटा दो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक दशमलव आठ हो जाएगा। अगर इसको दो भी हम लोग लेते हैं मोटा मोटी बाई चांस, अगर दो भी लेते हैं तभी तो ये डेढ़ आ रहा है, यानी एक और एक से तो बारह ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपको एक से बारह आ रहा है लगभग में, इसको अगर जीरो भी ले रहे हैं तब वो भी एक से बड़ा ही आ रहा है और दो से छोटा ही आ रहा है, और एक निगेटिव में आएगा, निगेटिव में कितना आएगा, निगेटिव में आएगा उसको हम लोग देखेंगे नहीं, निगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आया बोलिए, एक और दो के बीच में आंसर आया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर की अंडर रूट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 225 का 15 होता है, 15 इसमें जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, अब 169 यानी 13 हुआ, इसका अंडर रूट कितना हुआ, 13, 13 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 100 कितना हो गया, 21 हो गया, 121 का अंडर रूट कीजिएगा 11 हो जाएगा, 11 इसमें जोड़िएगा यानी 36 हो गया, 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है, ठीक, 6 यहाँ जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, फाइनली आपका चार आंसर आने वाला है। चलिए समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो बोलिए, एक कमेंट कीजिए, एक और बढ़िया से बता देते हैं, एक बड़ा और इश्यू, ठीक है, रिविजन कराते थे फिर। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, 225 का अंडर रूट किए हैं, कितना आया, 15 है, 15 को इसमें जोड़ना है, जोड़ दिए हैं दाहिने तरफ से, हम लोग घर इधर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर 15 को इसमें जोड़े हैं तो कितना आया, 169 है, 169 का अंडर रूट कितना होता है, 13 होता है, 13 इसमें जोड़ दिए कितना आया, 121 है, 121 का अंडर रूट कितना आता है, 11 आता है, 11 इसमें जोड़ दिए 36 आया, 36 को अंडर रूट कितना होता है, 6 आता है, 6 इसमें जोड़ दिए 16 हो गया, 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन ये भी है, यानी इसमें कुछ अलग किया है, तो उसमें कितना आया था हमको, चार आया था, चार बटा दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, इसका आंसर दो आने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार और बना लेते हैं, ठीक है, देखिए इसका अंडर रूट कीजिएगा तो कितना जाएगा, 15, 15 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 को जोड़िए तो 169 यानी 13 आया, 13 इसमें जोड़ दीजिएगा यानी 11 आया, 121 हो गया तो 11 आया, 11 आया तो 11 यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट कीजिएगा कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 यहाँ जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 16, 16 का अंडर रूट कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी ऊपर कितना आया आपको, 4 है, नीचे कितना आ जाएगा, तो 8 का अंडर रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंडर क्यूब कीजिएगा तो फाइनल आपका कितना आने वाला है आंसर, 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, 2 ही है। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 का मान कितना होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कितना भागों में तोड़ेंगे बोलिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट और 3 गुना 4, इतना लिख सकते हैं ना, बोलिए लिख सकते हैं, यानी रूट 3 और प्लस रूट 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, देखिए यानी फाइनली आंसर हमको कितना आने वाला है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 आने वाला है, ठीक है, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 आने वाला है, इतना का मान आया, यहां मान पुट कीजिए तो सबका,
यानी आप डालिएगा यहाँ पर मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट रूट थ्री प्लस अंडर रूट तीन प्लस आठ से इसको गुणा कर देना है, आठ से इसको गुणा कर देना, चार दुना 16 प्लस आठ रूट तीन, यानी ये वाला आया अंडर रूट आपको कितना आया माइनस रूट तीन और प्लस आया अंडर रूट में 16 तीन 19, 19 आया। इसको गुना कीजिएगा तो दो तो हमको रखना है तो उधर चार जगह 16 चल जाएगा अंदर में क्या, यानी दो रूट तीन गुने चार जगह 16 अंडर चला गया, यानी इसका मान आपको देखते तो हमको कितना जाएगा अंडर रूट तो तीन ही है और प्लस इसका मान कितना आने वाला है आपको अंडर रूट 16 और प्लस आपको आने वाला है अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री करा लीजिए, अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कर जाएगा, यानी फाइनली आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका रूट चार आने वाला है और फिर अंडर रूट चार निकालिएगा अंडर रूट से कितना जाएगा दो आएगा, यानी फाइनली आपका आंसर कितना आया दो आया। लेकिन इसका अंडर रूट फोर है इसका मान दो निकल सकता, दो को निकल सकता है, एक प्लस में भी निकल सकता है एक माइनस में निकल सकता है ठीक है, यानी बेस्ट आपका आंसर क्या होगा आपका नंबर थ्री होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसका मान देख लीजिए, इसको भी हम लोग क्या करेंगे दाहिने तरफ से ही चलेंगे, सब दाहिने तरफ से चलेंगे, यानी 512 का अंडर रूट अंडर क्यूब कीजिएगा, यानी तो इसको 8 गुणे 8 गुणे 8 होता है, तो यानी यहां से आपको कितना आने वाला है 8 आने वाला है, यहां से 8 आने वाला है। चलिए 9 प्लस यहां से आपको इसको निकालिएगा तो कितना होगा 4 आ जाएगा, इसका कितना कितना आने वाला है अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहां से आपको कितना होने वाला है 8 निकलने वाला है, यहां से भी 8 हो जाएगा, यानी फाइनली आपको कितना होगा 8 दूना 16 और आप प्लस 16 आप प्लस कितना कीजिएगा 9 कीजिएगा, यानी 25 आया, अंडर रूट 25 कीजिएगा अंडर रूट 25, यानी कितना आने वाला है 5 आंसर आने वाला है आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इतना बराबर आपको एम दिया गया है, इतना बराबर इतना दिया गया है, यानी हम लोग अगर स्क्वायर करें दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, देखिए इसमें भी इतना रिपीट कर रहा है ना, इतना का मान रिपीट कर रहा है, यानी इतना का मान हम लोग फिर इसी का जगह क्या करेंगे एम ही पुट कर देंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा एम पे यहाँ पुट किया तो एम पुट कर देते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और माइनस कितना हो जाएगा एन हो जाएगा ठीक है। इतना है ना इसमें 5 के बराबर दोनों को रखना है, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां से एम स्क्वायर माइनस एम और यहां से हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बराबर कितना है 5 दोनों में आ गया ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा ठीक ठीक एन स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा ठीक है, यहाँ प्लस आ गया। अब क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं दोनों को, क्या करें कॉमन ले लेते हैं दोनों को, पहले बराबर करते हैं, फाइनल बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस एम बराबर एन स्क्वायर प्लस एन, चलिए ले लेते हैं लेफ्ट साइड में सबको लेते हैं चारों को, चारों को ले लेते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर और प्लस माइनस आपका एन हो जाएगा बराबर आपका 0 आ जाएगा यहाँ से। चलिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको एक साथ एक बार लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम माइनस एन ले लेते हैं, और इसमें से हम लोग क्या करें एम प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एम प्लस एन कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एम प्लस वन इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बोलिए, एम माइनस एन बचेगा और इसमें से एम प्लस वन कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा माइनस वन बचेगा बराबर 0, तो एक पार्ट इसमें इसके 0 को बराबर कर देंगे तो एक पार्ट क्या बचेगा मेरा फाइनली, अगर इसको हम लोग 0 को बराबर करते हैं तो ये भी कितना होगा 0 को बराबर ही हो, यानी इसको अगर उधर भाग दे देते हैं 0 से भाग देते हैं तो फाइनली हमको कितना हो जाएगा, यानी एम माइनस एन और माइनस वन बराबर 0 आएगा, यही तो मेरा आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका लास्ट करेक्ट हो जाएगा ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन सब भी खत्म हो जा रहा है, तो क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास क्या कीजिए
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब तक तो बेल आइकन नहीं दबाइएगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाएगा और इतना बेहतरीन आप क्लास को क्या कीजिएगा मिस कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।